कुछ लगता भी है यार मैं गलत दसना चाहना मेरी गलत तवज्जो रखे जी हर मुसलमान का अकीदा वे शैतान मदूद जनाबे शैतान नहीं अल्लाह ने मिंदर ताकत दी है और बंदे के जिस्म के अंदर ओदी खून के जवे खून तोड़दा है वो भी इसी तरह ताकत रखता है शैतान रखता कि नहीं रखता इतनी ताकत और एक सारे जमाने में शैतान ने भी नहीं तो पता भी है शैतान को इतना ताकत भी है यार के रब ने अपने दुश्मन को इतना ताकत दी थी अपने दोस्त को इतना ताकत दी थी सुभान अल्लाह रब समझ नहीं में क्या पड़े सुभान अल्लाह अगर तुम की सुनना चाहते हो सुभान अल्लाह जे दुश्मन को इतना ताकत है और दुश्मन है और अब के दिन में शैतान ने इंसान या तो तुम भी का एक शैतान इंसान का दुश्मन है अगर दुश्मन को इतना ताकत है तो फिर दसो रब के वली को इतना ताकत है अल्लाह तो वली है अल्लाह तो दोस्त है ना मंगो मंगने वाले पढ़ो ना मेरे घर याद आ गई हजरत उमर अली मुर्तजा का शेर खुदा करम अल्लाह तआला ने करी आप फरमाते हैं हुजूर की पकीजा बारगाह के अंदर एक बड़ी सभा एक एहतियाती आ गया हुजूर की बारगाह के अंदर कि हुजूर बैठे सब हुजूर ने बेच दिया कि हुजूर मुस्कुराए कि हुजूर ने दरिया रहमत जो सिताया या कब बड़ी में मस्जिद कर लगे तुम्हें रखे दे हुजूर पर मैं मांग की पकड़ी मांग की पकड़े कर दिया गाली ने मंत्र वाले की पड़ो ना मांग की पकड़ी पर मांग ने के उस वक्त तो जेड़ा दिहाती सी ना सिया किसी का सदा बंदा सी और अगे यार सुना मैं सफर ते चले ना सवारी कोई नहीं सवारी दे अरे तेरी बात फरमा दे मैं कोर बैठे सब तेरे प्यार में तो समझ ना जन्नत बननी है पर वो दिहाती का दिहाती नहीं है तो जन्नत का सवाल कितना नहीं का सुन के मेरे सवारी दे दो मैं सफर ते टूट चले आ नबी पाक ने सलात व सलाम ने फरमाया मैं कोर दे दो हुजूर मुस्तफा हुजूर फरमा चल मन और की मांगने चल मन हजरत अली पाक फरमा दे मैं समझिया कि मैं कभी वो कभी ने तफसील ने करता मैं दसगा लेकिन वक्त की लाते मैं वक्त की नसाबत की बिना की मैं कब मुखसर करके रस बचाना हजरत अली पाक फरमा दे मेरे दिल किया लाया और क्या अपने सत्ता पुष्टों में जन्नत मांगेगा अपने मसलों से भी जन्नत मांगेगा हुजूर दरिया रहमत जो सजे और ते जो मर्द जाएगा मेरे नबी अता कर देगा है लेकिन क्या किसी ना सीधा सादा बंदा सी हुजूर फरमा मांगोड़ की मांग रही पता की मांग है कहते या रसूल अल्लाह तोड़ते चले या आर जान तो मुझे चेक दे तो बेटे सवारी दी दीजिए और आर जान का सच्चा दे दो अरे तेरी बात फरमा दे मैं सोचिया हुए कि आती था कि आती रही और इतने सीधा बन गए अरे हुजूर तो जन्नत मन अपने नस्ल वास्ते जन्नत मन अपने पूरे खानदान वास्ते जन्नत मन असि जितने बैठे सबे सारे वास्ते जन्नत मन तो सब तो बना मन लेकिन वो पेड़ों का पेड़ हुई कहने लगे नहीं पहले सवारी की थी हुनान के अंदर सच्चे दे दो तो नबी पाक की सलात व सलाम ने फरमाया चले निवान का अंदर सच्चे की थी ना ते हुजूर ने सच्चा दे के फिर मुस्कुराए ना ते हुजूर फरमाया जा तो ते मूसा अलैहि सलाम और उमैर फुटी पे उनके कोई भी रह गए हजरत ने बात फरमा दे कि साडे कान खड़े हो गए केड़ी मुट्टी ते किस तरह तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिस वक्त अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी की अलैहि सलाम व सलाम ने फरमाया जाओ हिजरत करो लेकिन फरमाया के उस मकाम पे थे जिते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का तबूत रखे हुए उनु लेके जरूर जाना पे तो हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ लेके गए ना ते आपने पूछा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का ताबूत किथे थे गल समझ एक मेरे गल पर जरा तवज्जो रखो आप उन पूछ दे पहले लोग का करो कि यूसुफ अली सलाम दा ताबूत किथे है अरे सी लो जाते थे कुछ ने दादा ने मेरी तरफ मिसार किथे है मेरे गांव का दर तवज्जो रखे जी आज अगर की कसम में लाहौर में लोग कितना नहीं जानते जितना दादा ने मेरी तरफ लाहौर में जानते पाक पतन की धरती मने पाक पतन है लेकिन उनकी मशहूरी जितना बाबर फरीदुद्दीन ने की थी किसी और ने नहीं की थी लाहौर अपना कसूर की सरजमीन बनया ये है इन लोग जानते रहे लेकिन जेडी मशहूरी बाबा बुले शाह ने की थी किसी और ने नहीं की थी जितने लोग नजर के बाबे बुले शाह के नाम से कसूर जानते रहे इतना कारोबार को नहीं जानते किसी और था को नहीं जानते एक सदा का कमाल चश्मी है एक हजरत बाबा बुले शाह सरकार है मुल्तान ते मदीना तो रौबिया कह जाते हैं ओते ते विरान किरदा दा ते नेक के पर कुसीदा बंदे बैठे ने पर मुख्तसर खुलासे कलामे में आप पुछते पहले ते लोगों ने कहा भाई अल्लाह के नबी असि दस ते सकने आ लेकिन सानू पता कोई नहीं एक
जेडी शब्द जेडी में मन में नंबर 10 ते सही है किथे और जे शब्द मेरे मन फिर दसा की आप फरमा केडी शब्द है कह लगी शब्द है मैं जन्नत च मूसा अलैहि सलाम दा पड़ोस रहना फिर दसना सुभान अल्लाह समझ गई या सुभान अल्लाह ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ